यहाँ पे क्या करना है, स्मॉल वाई को रिप्लेस करोगे कैपिटल वाई प्लस के से, तो क्या हो जाएगा, डी वाई और के का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे कैपिटल एक्स है तो एक्स को कैपिटल एक्स से रिप्लेस करोगे कैपिटल एक्स प्लस एच से, तो क्या हो जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। वो इंडिविजुअली डिफ्रेंशिएट करना है कि जैसे देखो क्या करना है, इस वाले को जैसे एक्स हो गया, एक्स और आवर कैपिटल एक्स प्लस एच, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, डी एक्स वाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे डी कैपिटल एक्स वाई डी एक्स प्लस डी एच वाई डी एक्स, और यहाँ एच एंड के जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो ये यहाँ से आ जाएगा वन इज इक्वल टू डी कैपिटल एक्स वाई डी एक्स, यहाँ से डी एक्स इज इक्वल टू डी कैपिटल ऑफ एक्स। सिमिलरली क्या करना है कि वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के, अब डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो डी वाई बाई डी वाई इज इक्वल टू डी कैपिटल वाई बाई डी वाई, अब यहाँ से आ जाएगा डी वाई इज इक्वल टू डी कैपिटल ऑफ वाई, अब दोनों का रेशियो ले लो तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी कैपिटल वाई बाई डी कैपिटल ऑफ एक्स, ठीक है, दोनों का रेशियो ले लोगे तो वो आ जाएगा। अब देखो बेसिकली मेन जो पर्पस इसमें कॉन्सेप्ट था वो चेंज करना था ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन डिवाइडेड बाई ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू, तो चेंज करेंगे एक्स को कैपिटल एक्स से, एक्स को रिप्लेस करेंगे कैपिटल एक्स प्लस एच, वाई को रिप्लेस करेंगे कैपिटल वाई प्लस के, तो डी कैपिटल वाई बाई डी कैपिटल ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिख लो यहाँ पे जो आएगा ए वन कैपिटल ऑफ एक्स प्लस बी वन कैपिटल ऑफ वाई प्लस, देखो ए वन एच प्लस बी वन के प्लस क्या आ जाएगा, सी वन आ जाएगा। सिमिलरली ए टू कैपिटल एक्स प्लस बी टू कैपिटल वाई प्लस ए टू एच प्लस बी टू के प्लस सी टू आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है कि जो कांस्टेंट आए होमोजीनियस होना चाहिए, तो न्यूमरेटर का यही वाला टर्म बचना चाहिए, क्या होना चाहिए, होमोजीनियस फॉर्मेट होना चाहिए, तो डिग्री ऑफ वेरिएबल का न्यूमरेटर में होगा और डिग्री ऑफ वेरिएबल का डिनोमिनेटर में होगा, थ्रू आउट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, एच एंड के कांस्टेंट लिए हैं, तो यहाँ से जो कांस्टेंट टर्म आएगा ए वन एच प्लस बी वन के प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, ए टू एच प्लस बी टू के प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से फाइंड करना है एच कॉमा के, एच कॉमा के फाइंड कर लेंगे तो रिड्यूस क्या हो गया, डी कैपिटल ऑफ वाई डी कैपिटल ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए वन एक्स प्लस बी वन कैपिटल वाई ए टू कैपिटल ऑफ एक्स प्लस बी टू कैपिटल ऑफ वाई। अब होमोजीनियस फॉर्म हुआ तो यहाँ पे क्या करना है, कैपिटल वाई इज इक्वल टू कैपिटल एक्स इंटू वी एज्यूम कर लेना है, तो वी एज्यूम करेंगे वही होमोजीनियस फॉर्म, वाई से डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वी, अब डी कैपिटल ऑफ वाई डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एक्स से, तो यहाँ आ जाएगा वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। इससे थ्योरी में दिख रहा है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट क्या होगा जब जाओगे बनाओगे वहां पे एग्जाम्पल से तो बहुत ईजी लगेगा। अब क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो ये वी प्लस कैपिटल एक्स डी वी बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू ए वन एक्स प्लस बी वन वी एक्स डिवाइडेड बाई ए टू एक्स प्लस, वाई को रिप्लेस कर रहे हैं किससे, यहाँ से आएगा ना एक्स वी आएगा, तो वी टू बी एक्स, अब जो वैल्यू यहाँ से आएगा वो एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए वन प्लस वी बी वन वी प्लस ए टू प्लस बी टू वी माइनस बी, अब देखो एक्स एंड बी में आएगा सॉल्व,
यहां से तो पता ही है, हो जाएगा ना सॉल्व। और देन इक्वेशन ये जो आएगा वो एक्स एंड जो फाइनली करना है वो कैपिटल एक्स को एक्स माइनस ए से रिप्लेस कर देना है और कैपिटल वाई को स्मॉल वाई माइनस के से रिप्लेस कर देना है। फाइनली वो आ जाएगा, ये फंक्शन आ जाएगा वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ जाएगा। जो भी हो वाई या हो सकता है एक्स वाई के फॉर्म में, जो जरूरी नहीं है कि सी के फॉर्म में आएगा, बट फंक्शन एक्स और वाई के फॉर्म में आएगा। ये जो आएगा एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0 प्लस के भी रहेगा प्लस सी मान लो। ठीक है, समझ में आया? यस और नो? यस सर, यस अब इसमें एग्जाम्पल एक कर लो। शायद प्रीवियस क्लास में इस पे दिए भी थे, प्रॉब्लम याद है? इसमें कुछ स्पेशल केसेस भी आते हैं, वो बाद में बता दूंगी। सॉल्व ट्राई करो, नहीं बनेगा तो बताऊंगा। डी वाई वाई, इसमें जब तक याद नहीं रहेगा टाइप तब तक क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, तो टाइप याद करना ही है। 2x + y - 3 बता दूं या सॉल्व करोगे? बोलो। एक बता दीजिए सर। बता दीजिए सर। ओके, फिर ज्वाइन किया था चला गया। तुम लोग कभी और किसी और टाइम में ले सकते हैं क्लास, सुबह में स्कूल हमें रहता है। स्कूल चलता है। ओके, देखते हैं। तो और कोई टाइम बताओ। 12:30 तक स्कूल रहता है सर, मतलब हम लोग का। अच्छा, 8 बजे के बाद हाँ कर लोगे क्लास? हम कर लेंगे, बाकी लोग से पूछ लीजिए। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, x इज इक्वल टू कैपिटल x प्लस h, y इज इक्वल टू कैपिटल y प्लस k, इस तरह से फॉर्मेट रहेंगे। तब इसमें स्पेशल केसेस आते हैं वो भी डिस्कस कर देंगे, बट इन जनरल स्पेशल केसेस पहले चेक कर लेना है, लेकिन उसके इसके बाद बताऊंगा वो। अदरवाइज प्रोसेस यही रहेगा, x इज इक्वल टू कैपिटल x प्लस h, y इज इक्वल टू कैपिटल y प्लस k जूम कर लिए। अब रिप्लेस कर दो तो d डायरेक्टली लिखना है कैपिटल वाई डी कैपिटल ऑफ एक्स, यहाँ पे वाई को रिप्लेस कर देना, वो प्रोसेस तो बता दिए हैं। एक्स को रिप्लेस करो, कैपिटल एक्स प्लस एच हो जाएगा प्लस 2 * कैपिटल वाई प्लस के हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 2 कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई प्लस के -3 राइट। अब देखो यहाँ से क्या करना है, इसी वैल्यू को लिख रहे हैं, डी कैपिटल ऑफ वाई डी कैपिटल ऑफ एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस 2 कैपिटल वाई प्लस एच प्लस 2k - 3 डिवाइडेड बाई 2 कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई प्लस 2h + k - 3। अब होमोजीनियस में जाने के लिए क्या बोले थे, जो यहाँ पे टर्म बच रहे हैं कांस्टेंट टर्म, ये जो वैल्यू है उसको इक्वल टू 0, ये वाले जो डिनोमिनेटर में है उसको भी इक्वल टू 0 कर देना है। तो h प्लस 2k - 3 इज इक्वल टू 0, 2h + k - 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व कर लेना है h एंड k, तो सॉल्व करोगे तो फर्स्ट वाले में इंटू 2 * 1 तो क्या हो जाएगा 2h + 2k - 2h + 4k, 4k - 6 इज इक्वल टू 0, 2h + k - 3 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा बताओ, कैंसिल आउट होकर के 3k, और ये जो वैल्यू है वो हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से k का वैल्यू 1, जब k का वैल्यू 1 आया तो h का वैल्यू फाइंड करना है, तो h h 1 प्लस 2
टू के माइनस थ्री इज इक्वल टू एच वी वन आया, तो एच एंड के का वैल्यू वन बना गया। ठीक है, अब देखो जो फाइनली आया था डी कैपिटल ऑफ वाई डी कैपिटल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई टू एक्स प्लस वाई एक्स प्लस टू वाई टू वाई प्लस टू एक्स प्लस वाई, यही है ना, देख लो। यस सर। अब क्या करना है, कैपिटल वाई इज इक्वल टू एक्स वी, दो ही एक्स वी ही ऑलवेज इसमें एक्स वी ही एज्यूम करना है। उसमें इसके पहले होमोजेनियस में बताए थे कि वाई इज इक्वल टू एक्स वी और एक्स इज इक्वल टू वाई भी एज्यूम किया जाता है, तो जनरली इसमें फर्स्ट वाले से ही बन जाएंगे। ठीक है, तो वाई इज इक्वल टू कैपिटल में यहाँ पे क्या है, जस्ट चेंज हुआ है कि कैपिटल एक्स कैपिटल वाई लिख रहे हैं, तो आप डिफ्रेंशिएट कर दो। डिफ्रेंशिएटिंग थोड़ा लेंदी होता है, ये डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एक्स, तो डी कैपिटल वाई बाई डी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब ये पुट कर देना है वहां पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे डायरेक्टली लिख दूं एक्स प्लस यहाँ एक्स भी होगा तो एक्स कैंसिल आउट होगा ना, तो चलो लिख देता हूँ एक्स प्लस टू एक्स बी टू एक्स प्लस एक्स बी होगा, वाई का वैल्यू रिप्लेस कर दिया y इज इक्वल टू एक्स बी। ठीक है, तो यहां से जो आएगा v x डी वी वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स कैंसिल होगा वन प्लस टू बी डिवाइडेड बाई टू प्लस बी माइनस बी, यहां से जो वैल्यू आएगा वो क्या लिखोगे, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में चला जाएगा x डी वी वाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस टू वी माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू प्लस वी, देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या है, यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में डी वी वाई डी एक्स लिखोगे तो क्या जाएगा, वन माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू प्लस वी इन टू वन बाई कैपिटल एक्स, तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है ये, देखो फंक्शन ऑफ क्या है एफ वी और ये फंक्शन ऑफ क्या है एफ एक्स, तो वेरिएबल एंड सेपरेबल फॉर्म, वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म। अब इसके हेल्प से क्या कर देना है, थोड़ा सॉल्व कर देना है इसको, सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, डी कैपिटल ऑफ बी बाई डी कैपिटल ऑफ एक्स, देखो चेंज कर देंगे डी वी के जगह पे फंक्शन टू प्लस बी आ जाएगा वाई वन माइनस बी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा वन बाई एक्स डी एक्स, इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, टू वाई वन माइनस बी स्क्वायर प्लस बी वाई वन माइनस बी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू वन वाई कैपिटल एक्स डी एक्स। अब सॉल्व करोगे इंटीग्रेट कर रहे हैं, देखो टू वाई वन माइनस बी स्क्वायर डी वी प्लस बी वन माइनस बी स्क्वायर डी वी वन वाई एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड। समझ में आ रहा है यहां तक, यस और नो? यस सर। अब इसके बाद इंटीग्रेट करोगे तो देखो टू बाहर चला जाएगा वन माइनस बी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, डायरेक्टली होता है वन माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, याद है ये वाले फॉर्मेट, याद है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन डी एक्स, नहीं याद है बोलो, भूल जाते हैं सर, वन बाई टू ए लॉग
ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी। हाँ वो ऐसे ही होता है, अगर भूल भी गए हो तो देखो क्या करोगे, टू को बाहर करोगे तो इंटीग्रेशन वन माइनस क्या हो जाएगा वी, और यहाँ पे वन प्लस वी, अब ये वन प्लस वी जाएगा यहाँ पे प्लस कर लो, ठीक है समझ में आया। डी नहीं समझ में आया ना, अलग कर दिए हैं वन प्लस बी इंटू वन माइनस बी, तो वन बाई टू यहाँ करना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्टली अगर याद है तो ठीक है उस वाले फॉर्मूला से। ये समझ में आया, देखो क्या किए हैं, यस सर। वन बाई वन माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू लिखे हैं, बोले थे ना ए बाई वन माइनस बी हो जाएगा प्लस बी बाई वन प्लस बी हो जाएगा, क्योंकि इसको फैक्टराइज करेंगे तो वन माइनस बी इंटू वन प्लस बी, पार्शियल फ्रैक्शन वाले हैं, समझ में आया। तो वी ए का वैल्यू फाइंड यस करना सर। है, ठीक है तो यहाँ पे ऐसे भी एलसीएम लोगे तो यही आना चाहिए, ठीक है हो जाएगा, यस और नो बोलो। यस सर। ऐसे भी इसको सिंपलीफाई करो ना यही वैल्यू आएगा, वन प्लस बी यहाँ पे जाएगा, वन माइनस बी बी कैंसिल हो जाएगा, वन प्लस वन टू आएगा, तो टू से डिवाइड कर दिए तो ये फाइनली ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या करोगे कि इसको टी एज्यूम करोगे तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस टू भी आएगा, तो क्या करना है कि माइनस टू यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है और माइनस टू से डिवाइड भी करना है, एडजस्ट कर रहे हो समझ में आ रहा है, इसको टी एज्यूम करना यस है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। तो देखो ये वाला जो पार्ट है उसका जो आएगा यहाँ से देखो, फर्स्ट में एल एन वन माइनस वी मॉड में और बटे माइनस वन चूंकि निगेटिव में है, प्लस यहाँ पे एल एन वन प्लस वी मॉड में, और यहाँ जो वैल्यू आएगा टी एज्यूम करेंगे तो माइनस वन बाई टू एल एन मॉड ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू एल एन कैपिटल ऑफ एक्स प्लस क्या आ जाएगा के, समझ में आया, ये वाला पार्ट इसके साथ जाएगा, तो क्या लिखेंगे एल एन वन माइनस बी वन प्लस बी डिवाइडेड बाई वन माइनस बी माइनस क्या लिखेंगे एल एन वन माइनस वी का होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है, देखो वन बाई टू चला जाएगा, सॉरी टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, ध्यान दो यहाँ पे क्या हो जाएगा वन बाई टू रहने दो मॉड ऑफ वन माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एल एन ये कैपिटल एक्स प्लस एल एन इसको सी मान लो क्योंकि लॉग दोनों तरफ से खत्म हो जाएगा, तो अब टू से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि ये टू कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ टू एल एन मॉड ऑफ वन प्लस बी डिवाइडेड बाई वन माइनस बी, ये जो वैल्यू आएगा माइनस एल एन मॉड ऑफ वन माइनस बी स्क्वायर, टू से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो टू एल एन देखो एक्स सी आ जाएगा, ठीक है अब क्या करेंगे ये लॉग हो जाएगा वन प्लस बी बटे वन माइनस बी का स्क्वायर माइनस एल एन वन माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन वन माइनस बी स्क्वायर ही रह जाएगा, ठीक है इज इक्वल टू एल एन ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर, अब सबको साथ में ले आओ लेफ्ट साइड भी ला सकते हो, तो देखो क्या हो जाएगा वन माइनस वी स्क्वायर वन प्लस वन माइनस, अब ये देखो ये वाला इससे क्या होगा डिवाइड में चला जाएगा, जाएगा डिवाइड में वन माइनस वी स्क्वायर लॉग होगा ना एम बाई क्या हो जाएगा एन हो जाएगा, इसको कंप्लीट एम बोलोगे और ये कंप्लीट एन बोलोगे तो ये क्या हो जाएगा एम बाई एन, इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, बाकी क्या है यहाँ से कैलकुलेशन ही है बट ये भी आना चाहिए लॉग वन प्लस बी डिवाइडेड बाई वन माइनस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या जाएगा वन माइनस बी स्क्वायर,
बराबर लॉग एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर, यहां से जो आएगा वो क्या लिखोगे, लॉग वन प्लस वी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन माइनस, यहाँ पे जो आएगा वी का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा वन बटे वन प्लस बी इंटू वन माइनस बी, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये वाले पार्ट इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू आएगा लॉग हटा दे सकते हो, ठीक है, तो वन प्लस बी डिवाइडेड बाई वन माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर को क्या करोगे, सी ही लिख दो क्योंकि कांस्टेंट है। अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगा फाइनली क्या आया, कैपिटल वी इज इक्वल टू क्या रखोगे, कैपिटल वी का कैपिटल वाई बाई एक्स, तो कैपिटल वाई बाई एक्स रख दो, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो वन प्लस कैपिटल वाई बाई कैपिटल एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस कैपिटल वाई बाई कैपिटल एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल एक्स का स्क्वायर इंटू सी। अब क्या करना है कि कैपिटल वाई इज इक्वल टू स्मॉल वाई माइनस क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, और कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स माइनस क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, क्योंकि बोले थे कि एक्स को रिप्लेस करना है कैपिटल एक्स प्लस एच से और वाई को रिप्लेस करना है कैपिटल वाई प्लस के से, एक ही प्रॉब्लम में क्लास चला जाता है इसके। अब क्या करोगे, कंपटीशन में देगा तो वो ट्रिकी ही देगा, इतना करना नहीं है, ये देगा तो ट्वेल्थ में ही आता है। अब इसी को चेंज करके यहाँ लिखे हैं तो वैल्यू पुट कर लो, दोनों का वैल्यू एच का वैल्यू वन के का वैल्यू वन आया था, तो कैपिटल वाई इज इक्वल टू वाई माइनस वन कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, वन प्लस वाई माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई वन माइनस वाई माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का स्क्वायर सी टू। समझ में आया, इसको सिंप्लीफाई कर लो, समझ में आया, तो सिंपल टाइप के ही देंगे अगर बोर्ड में भी देगा तो, ठीक है। हेलो स्नेहा, यस सर, समझ में आया, हाँ, बहुत लेंदी है ना, हाँ, बहुत ज्यादा, तो ये स्टेप याद रखना है बेसिकली, आएगा तो ट्वेल्थ में आएगा बोर्ड्स में, अदरवाइज कंपटीशन में ये प्रॉब्लम नहीं देगा। कॉन्सेप्ट तो पता है ना, इसमें क्या करना है कि सी को एलिमिनेट करना है, मींस एक्स और वाई के टर्म्स में ही आना चाहिए, तो रिप्लेस कर देना है कैपिटल एक्स प्लस एच एज्यूम करके, और एच के का वैल्यू वहां से फाइंड करोगे, देन वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा होमोजीनियस फॉर्मेट में। अब होमोजीनियस से जैसे बनाते हैं, होमोजीनियस से जो एज्यूम करना रहता है वाई बराबर एक्स भी एज्यूम करेंगे, उसके बाद क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, सारा रिड्यूस हो जाएगा वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में, फाइनली वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में ही आना चाहिए, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ रहते हैं कि इजी क्वेश्चंस देंगे जब भी कंपटीशन में पूछेगा, तो क्या होगा कि लगेगा कि इसी फॉर्मेट में जा रहा है, बट वो सिंपल होता है। देखो जैसे स्पेशल केसेस इसमें बताते हैं, जब पर्टिकुलर केस, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस सिक्स वाई प्लस थ्री डिवाइडेड बाई सिक्स एक्स प्लस नाइन वाई प्लस टू। अब देखो इस तरह के प्रॉब्लम रहेगा, तो फर्स्ट अगर देखोगे तो लगेगा कि उसी उसी तरह से बनेगा, लेकिन अगर एक्स और वाई के कोफिशियंट को सिर्फ देखोगे तो यहाँ टू है यहाँ फोर है, कॉमन यहाँ लेकर के देखोगे तो क्या लिखोगे, टू बाई डी वाई बाई डी डी एक्स इज इक्वल टू 2 into 2x plus 3y और plus 3 and यहाँ पे हो जाएगा 3 common लोगे तो 2x plus 3y plus 2। अब देखो same अगर आ जाएंगे ax plus b ax plus b y आ जाएगा, तो इसी को क्या करना है, z assume कर लेना या v assume कर लेना, तो यहाँ पे 2x plus 3y को z assume कर लो, अब बन जाएगा, बोल लो
इसको करेंगे डिफरेंशिएटिंग। तो इस तरह के प्रॉब्लम रहते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड वाई डी एक्स। तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा डी जेड वाई डी एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई 3। अब उसको सब्स्टिट्यूट कर लो डी वाई बाई डी एक्स को, तो डी जेड वाई डी एक्स माइनस टू होल डिवाइडेड बाई 1 बाई 3 इज इक्वल टू ऊपर में क्या लिए थे 2 टू जेड माइनस 3 प्लस 3 3 जेड प्लस 2। जो फॉर्मेट यहां से जो आए वो क्या लिखोगे डी जेड वाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 जेड प्लस 9 डिवाइडेड बाई 3 जेड प्लस 2। अब ये देखो 2 प्लस में आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई किए तो डी जेड वाई डी एक्स इज इक्वल टू 6 जेड प्लस 9 प्लस 6 जेड प्लस 4 डिवाइडेड बाई, मेरे ख्याल से अब बन जाएगा। तो क्या होगा डी जेड और राइट साइड में आ जाए लेफ्ट साइड में आ जाएगा 3 जेड प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6 6 क्या हो जाएगा 12 प्लस 13 12 जेड प्लस 13 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा डी एक्स बन जाएगा। सिंपल है ना, इंटीग्रेट कर लोगे और फिर करना है रिसब्स्टिट्यूट कर देना, ठीक है। इसके बाद बन जाएगा ना यस और नो? यस सर। एग्जांपल इसमें देखो बताओ क्या है जो हम करेंगे डी वाई बाई डी एक्स आएगा तो सिंपल, उतना टफ नहीं जाएंगे कैलकुलेशन वाइज भी इसमें क्या देगा सिंपल ही कर देगा क्योंकि कुछ चेंजेस करेगा तो क्या हो जाएगा बहुत लेंदी हो जाएगा। इसमें बोलो क्या एज्यूम करेंगे, दिख रहा है ये देखो कॉमन लोगे 1 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा, अब बन जाएगा। तो ये देखना yes. पड़ेगा डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टी ही एज्यूम कर लो जेड जो भी इजी लगे, बन जाएगा यस सर। ओके देन नेक्स्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें क्या होता है इसमें लिख लो कुछ पॉइंट्स। डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच वाई एंड डी वाई बाई डी एक्स अपीयर्स विथ degree 1 and are also not multiplied. Means अगर x के terms में है x और dx बटे dy है तो वहां पे भी यही condition होना चाहिए, ये y and dy by dx के terms में है। अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन x एंड dx / dy के फॉर्म में बन रहा है तो वहां पे भी यही कंडीशन होना चाहिए।
तो पहले इसको देख लें, वो आइडिया लग जाएगा एक्स के टर्म्स में रहेगा तो। तो इसमें क्या होता है कि वाई एंड डी वाई बाई डी एक्स दोनों का डिग्री क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए और दोनों मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए, उसके अलावा एक्स पे कोई कंडीशंस नहीं है, ठीक है। तो एक्स पे कंडीशन, नो कंडीशन ऑन, कंडीशन ऑन एक्स, ठीक है। एक्स पे क्या होगा, कंडीशन नहीं होगा। तो इसका जो फॉर्मेट लिखेंगे, एक बता देता हूं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई वाई डी एक्स, ठीक है, प्लस यहां पे क्या रहेगा, पी एक्स रहेगा, ये वाई रहेगा, इज इक्वल टू यहां क्यू एक्स रहेगा, फंक्शन ऑफ ओनली एक्स, फंक्शन ऑफ ओनली एक्स, और वाई का इसी ऑर्डर में डी वाई बाई डी एक्स, पी पी ऑफ एक्स इन टू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। तो फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स का कुछ भी रह सकता है वहां पे। सेकेंड जो ये टाइप वन हो गया इसमें, या ए टाइप लिख लो, और बी जो फॉर्मेट इसी का होता है डी एक्स, अब वाई क्या है डी वाई, देखो डी एक्स बटे डी वाई लिख रहे हैं। तो यहाँ एक्स है तो फंक्शन ऑफ क्या है, एक्स है, ठीक है, वाई है तो फंक्शन ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा और ये एक्स आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ क्यू वाई। क्लियर हो, इसमें दो फॉर्म आते हैं इसका, फर्स्ट फॉर्म में डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में है, ठीक है, सेकेंड फॉर्म है जो ये वाई के फॉर्म में है। तो देखो यहाँ पे डी एक्स है, तो समझ में आ रहा है, हेलो, आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो यहाँ पे जो होता है वो एक्स पे कंडीशन, अगर डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में है तो एक्स पे कंडीशन नहीं होता है, फंक्शन ऑफ एक्स होना वहां पे किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देता हूं आइडेंटिफाई करने के लिए, बताना विच इज नॉट ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट डी वाई बाई डी एक्स, कंपेयर करना जो फॉर्मेट लिखे हैं उससे, वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, सेकेंड y into dy by dx plus 4y 4x is equal to sin inverse x, third 2dx plus 3dy is equal to y square, 4 d2y by dx2 plus dy by dx का square plus 7 is equal to 0। बताओ तो, बोलो सर, 2 कौन सा ऑप्शन, 2 ऑप्शन, देखो डी वाई बाई डी एक्स ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्या बोले थे, पी डी वाई बाई डी एक्स है तो पी एक्स होगा और ये वाई होना चाहिए, इज इक्वल टू क्यू एक्स होना चाहिए। तो फर्स्ट वाले क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, सेकेंड वाले में क्या करेंगे, वाई से डिवाइड करेंगे, तो वाई से डिवाइड करेंगे तो देखो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4x 1y y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x।
तो देखो dy by dx है, यहाँ पे y मल्टीप्लाई में नहीं है, यहाँ डिवाइड में हो गया, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। अरे बस समझ में, थर्ड वाले में देखेंगे तो या तो dx बटे dy में जाओ या dy by dx में जाओ, दोनों फॉर्मेट चेक चेक करना पड़ेगा, कुछ नहीं दिया हुआ है तो 2 + 3 dy by dx अगर लिखेंगे ठीक है, तो क्या ये हो जाएगा y स्क्वायर बाई dx फॉर्मेट, तो ये तो हो ही नहीं रहा है, समझ में आ रहा है ना, ये किसी फॉर्मेट में जाएगा ही नहीं, dy by dx को अगर अलग भी करोगे तो ये तो होगा नहीं, उसके फॉर्मेट में नहीं जा रहा है। इसका देखो d2y by dx2 आ गया, क्या बोले थे कि dy by dx का जो डिग्री होगा यहाँ पे वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यहाँ देखो 2 है और ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वो क्या होना चाहिए, हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है, तो ओनली फर्स्ट वाले हो गए। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमेशा याद रखना, एक और उसको दूसरे फॉर्मेट में रहेगा वो रिड्यूस किया जाता है लीनियर फॉर्मेट में, तो ये ध्यान ऑलवेज रखना कि डी वाई बाई डी एक्स है तो पी एक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स, अगर डी एक्स बटे डी वाई फॉर्मेट में बन रहा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, पी वाई मिलना चाहिए और ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू क्यू वाई ठीक है, ये दोनों फॉर्मेट याद रखना, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ ठीक है, जो भी रहेगा हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, इतना ही रहने दो आज, या पूछना है कुछ एक बार देख करके आना, इसके बाद बार नॉलेज आता है तो लीनियर बार नॉलेज बता दूंगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का आता है वो बताऊंगा। बोलो कुछ पूछना है? नो सर। बिल्कुल नहीं, तुम लोग इतना ही लोग